लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए ने पहले तो रेवन तो जो हिंदी घटना हुई है लोगों की वड्डी तादाद अपने नाल पहले दिन की है जोड़न वाली कोई गल नहीं जुड़े हुए ने पहले तो परंतु सरकार का ढिल मस थोड़ा जहा है तो कर लेंगे इस वे हिसाब में लगे हुए हूँ आप कोर्ट के थ्रू देख रहे हैं ज़्यादातर कोई इदा का भी है कोई लोगों जो खास तौर पर होर लोग जुड़न गाने प्रति क्योंकि लोग चाहने वाले से भी गाने प्रति जो कोई इदा का गाँव आऊगा चाहे शायद सरकार में कोई जा सकेगी कोई इदा का भी कोई प्रोजेक्ट नेड़े आ रहा कोई इदा मेरे ध्यान भी प्रोजेक्ट काफ़ी पे ने पर कोई विशेष कोई जस्टिस के नाल रिलेटिड या कोई मेरे ध्यान च नहीं है रूटीन देने जिस तरह की वो लेखनी सी उस तरह का ही है बाकी कोई स्पैशली मैं कह सकता भी कोई किसी चीज़ को हिट करने वास्ते गाना कोई स्पैशली लिखा पे वह इधर नहीं तो समझते क्यों क्यों इधर सरकार ढिल कर रही क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भी आज खुद कलाकार ने फिर भी इन्नी ढिल होनी चाहिए कितना कितने तक लगता नहीं कि अजे तक जो इंसाफ नहीं मिले सरकार भी जोड़ा लोग भी मेरा पूछ रहे हैं कि रीज़न क्यों है कि क्यों समा इदा जो लग रहा पता नहीं मैं यही सवाल जो तुम मैं पूछ रहे हो मैं यही सवाल सरकार तो पूछ रहे भी वो इस मर्डर एक सधारण मर्डर की तरह ले रहे हैं जबकि सधारण नहीं है क्योंकि ये मर्डर जे आपू कुछ लोग प्यार पंजाब का पुत कहें कुछ तो विश्व का पुत भी कहें है ना जो जिनी किसी की अटैचमेंट है वो उस तरह संबोधन करता है क्योंकि जे ये कोई सिंगल मर्डर हों इन्नी वड्डी तादाद लोग प्रभावित नहीं होंगे सी अज तक भी तुम देखो हज़ार की गिनती के संडे में कितना वड्डा कट हों पर सवा साल हो गया लोगों के मन चो जी हताशा हैगी जो गुस्सा है वो जा नहीं रहा परंतु गौरमेंट इस गल समझ की कोशिश नहीं करी उन्होंने लगता भी आम मौत की तरह जिदा जी गल संस्कार से होंगी भोगते हैं जी भोगते होंगी वो बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए सर सरकार नॉर्मल करने के लगी हुई है बिना किसी काम का बहुत फर्स्टली हुई थी शुरू के मैं तो गया जस्टिस के लिए पर नहीं खास नहीं कोई मतलब उदो तो मैं कोई कोई खास एजेंडा कोई तय होया होदा कुछ नहीं पर उदो दो तीन दिन घटना हुई नए से मैं भी भावुक सी ना तो मैनू इन्वेस्टिगेशन काफ़ी गल् हाले उजागर होनी बाकी से जोड़े शक का दायरा बढ़ना काफ़ी से उस वे तो कुछ गल सामने नहीं सी कुछ लग नहीं रहा यार मैं जो कोई आऊगा तो सामने आजगा मैं तो हरेक संडे लाइव होकर दस ही दिना हूं जिनी भी प्रगति होंगी है मैं आने वाले लोगों सारे दसदा ना दिना जिनी असं अगे बढ़ते हैं हूँ चार्ज फ्रेम हो गए शायद आ 20 तरीक न परंतु दोषी ज वड्डी तादाद होने करके बख बख जिले होने करके प्रशासन दिक्कत आ रही है इस गल भी पेश करने ओबीसी राही होंगी है जो चार्ज फ्रेम हो गए केस चलूगा स्पीड बनूगी दिल्ली वाला जो बिश्नोई है वो भी वापस कस्टडी लैन की कोशिश कर रही है मानसा पुलिस फिर उस तो बाद मैं कुछ दस सकता भी कुछ केस अगे बढ़िया कि नहीं बढ़िया पंजाब की गल की नशे का हड़ जो लगातार चल रहा है रोज़ आप वीडियो देखते हैं नौजवान जो धड़ धड़ मार रहे हैं मावं के पुत मार रहे हैं कि लगता है भी इदा भी हो क्यों रहा है कि तुम्हें लगता नशा पंजाब खत्म होगा क्योंकि सिद्धू जो मूसेवाला हमेशा नशे के खिलाफ हमेशा ही बोलता से जो पंजाब नशा से लैके गाने भी लगातार गाँव से और वार भी करता से वो नशे में ठल पानी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सारे दावे सारे सियासी पार्टियों वाले करते हैं पहले सौहां भी खाधियां ने परंतु नशा बंद किवें होगा क्योंकि नशे नूं बेचण वाले कोई आम लोग नहीं है वो भी अपराध जगत के सरगने ने सारे उन्होंने ही नशा बिक रहा है तो उन्होंने ठल पानी बिना किसी बिल पावर तो बहुत औखी है परंतु कमेटियां बनिया ने असं उन्होंने फिर भी उत्साहित करते असं अपने अपने घर बचाने लिए लोग उठ के सड़कों पर आने के तो शायद उम्मीद कर सकते हैं तो पर होवे ना होवे परंतु असं लड़ना तो साडा धर्म है। ठीक है।